हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। चलो फिर व्लॉग की कर लेते हैं शुरुआत। और आज है 18 तारीख संडे रविवार और अभी हुआ है दोपहर का टाइम। और दोपहर में मैंने लंच में बनाई खिचड़ी हेल्दी, तो आज खिचड़ी बनाई है खाने में, अभी खाएंगे, बस बन गई है। और अभी मैं निकालूंगी घी, मलाई रखी थी काफी दिन की होगी, कल मेरे को मायके जाना है तो मलाई रखी थी, मैंने सोचा इसका घी निकाल के ही चली जाऊं, काफी दिन की होगी वैसे भी, तो अभी मैं इसका निकालूंगी घी। चलो फिर कर लेती हूं ये सारे काम। मैंने सारी मलाई को पतीले में निकाल लिया था और उसमें डाल दिया था ठंडा पानी, और ठंडा पानी डाल के बस 5 मिनट हैंड ग्राइंडर चलाया था उसमें, और 5 मिनट में ही मक्खन निकल आया था। और मक्खन को फिर मैंने ठंडे पानी से धो के और गर्म करने के लिए रख दिया है। पहले तो मैंने फुल गैस कर दी थी जब तक वो नहीं पिघला था, और जब वो सारा पिघल गया तो मैंने सिम गैस पर रख दिया है। बस अब हम खिचड़ी खा लेते हैं, और जब तक खिचड़ी खाएँगे तब तक ये घी भी बन जाएगा, मक्खन से घी निकल आएगा। और गैस पे एक साइड जो मक्खन से दूध निकला था, मतलब मक्खन निकालने के बाद जब वो दूध या लस्सी जो निकलती है उसको भी मैंने साइड में गर्म करना रख दिया था, और उससे पनीर निकाल लिया था, और घी भी बन गया था। तो ये ठंडा करके मैंने छान दिया है, और इसमें जो खोआ बना है अब मैं उसका, मतलब पनीर का और खोए की बनाऊँगी कलाकंद। बस घी को छान के मैं इसी कढ़ाई में दूध डाल लूँगी, और मैंने 1 गिलास दूध डाला था और इसको पूरा उबाला था, जब तक मतलब ये गाढ़ा नहीं हो गया तब तक मैंने इसको उबाला था। और जो ये पनीर निकाला था इसको मैं अब अच्छे से मैश कर लूँगी, बिल्कुल मुलायम बना लूँगी। मेरे पास मैश करने वाला नहीं है तो मैं इसको चम्मच से ही मैश कर रही हूँ यहाँ पर। तो मैंने सारे पनीर को अच्छे से मैश कर लिया था, और यहाँ पर ये दूध भी उबल गया था और ये आधा गिलास रह गया था। और फिर मैंने इसमें डाल दी है चीनी, और चीनी डाल के भी मैंने थोड़ी देर और पकाया था, और फिर डाल दिया था मैंने वो मैश किया हुआ पनीर, और पनीर डाल के थोड़ी देर पनीर को पकाया, और उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया खोआ, जो घी से खोआ निकाला था ना, वो वाला खोआ मैंने इसमें डाला है। और फिर थोड़ा सा डाल दिया था मिल्क पाउडर, क्योंकि मिल्क पाउडर से भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर भी डाल दिया है। और मिल्क पाउडर डाल के मैंने इसको मतलब थोड़ी देर और पकाया था, थोड़ी देर में ये गाढ़ा हो गया था, जब ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो गया तब मैंने इसमें डाल दिया था इलायची पाउडर, और फिर थोड़ी सी देर और पका के बस ये मतलब बर्फ़ी जमने जैसा हो गया था, जैसे बर्फ़ी जमाते हैं उतना गाढ़ा ये हो गया था। तो मैंने फिर कर दी थी गैस बंद, और साइड में मैंने रख दिया चाय बननी, चाय का भी टाइम हो गया था तो मम्मी के लिए मैंने चाय बननी रख दी है साइड में। बस अब मैं प्लेट पे लगा लूँगी घी, और फिर इसको सारे को प्लेट में कर दूँगी ट्रांसफ़र। और साथ में जब ये बन रहा था तो मैंने ड्राई फ्रूट्स भी काट लिए थे, और बस अब इसको पूरा जमा के और मैंने ऊपर से डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट्स। बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, और खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे कलाकंद। मैंने पहले भी बनाए थे एक बार तब भी बहुत अच्छे लगे थे, और आज बनाए थे तब भी बहुत अच्छे लगे। अब मैं रख दूँगी इनको फ्रिज में सेट होने के लिए, और 1-2 घंटे बाद फिर इनको मैं काटूँगी। अभी शाम के 6 बज गए हैं, और कल मेरे को मायके जाना है, सुबह पता नहीं टाइम लगेगा या नहीं लगेगा कपड़े धोने का, तो आज अभी सारे कपड़े धो दूँगी मैं। अभी शाम के टाइम ही मैंने मशीन लगा दिया, अभी सारे कपड़े धुल जाएंगे और सुबह फिर आराम से तैयार होके जाऊँगी। और मैंने उस दिन ये सूट सिलना दिया था, ये मेरा सिल के आ गया था, श्राद्ध से पहले वाले दिन ही सिल के आ गया था, और मैंने पहन भी लिया था एक दिन, क्योंकि वो कहते हैं कि श्राद्ध में नया सूट नहीं पहनते, इसलिए मैंने पहले वाले दिन पहन लिया था ताकि मैं कभी कहीं जाऊंगी तो फिर इसको पहन लूंगी। और देखो इसकी बाजू का डिज़ाइन, मैंने इतना अच्छा बाजू का डिज़ाइन भेजा था टेलर को, लेकिन उसने सील दिया था
जिस दिन लेके गया उसी दिन काट के सील दिया, मैंने अगले दिन डिजाइन भेजा था और जब तक उसने सील दिया था तो नहीं बनाया, ये सिंपल सा डिजाइन बना रखा है बस। और अब इसकी मेरे को फिटिंग सही नहीं आ रही और मैं सोच रही हूँ कल इसको ही पहन के जाऊँ, तो अभी मैं टेलर के यहाँ जाऊँगी और इसमें प्लेट डलवा के लाऊँगी पीछे, फिर सही हो जाएगा। अभी जा रही हूँ मैं टेलर के यहाँ इसको ठीक करवाने। और अब यहाँ जल्दी हूँ मैं टेलर के पास सूट ठीक करवाने के लिए, और मैं पार्क के रास्ते से जा रही हूँ क्योंकि पार्क का रास्ता शॉर्टकट पड़ता है और गाड़ी से तो घूम के आना पड़ता है पार्क के चारों तरफ से घूम के और फिर शॉप पे पहुँचते हैं। पार्क की दूसरी साइड पे है ये टेलर की शॉप, तो बस यहाँ पार्क से जल्दी पहुँच जाते हैं। और तुरंत के तुरंत ठीक करके दे दिया था, 5 मिनट में ही वापस दे दिया था और 15 मिनट में तो घर वापस भी आ गई थी मैं। और आते ही फिर मैं लग गई थी अपनी बर्फ़ी काटने, ये सेट हो गई थी अच्छे से, फ्रिज में रख दी थी मैंने और आते ही काटने लग गई। और पहले कान्हा जी को भोग लगाया था और फिर हमने खाई थी, टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी, सच में बहुत स्वादिष्ट बनी थी। आ जाओ आप सब भी खा लो यम्मी यम्मी बर्फ़ी। और अभी यहाँ लग गई हूँ मैं किचन के कपड़े भिगोने, तो इनको पहले थोड़ी देर भिगो के रखूँगी और फिर धोऊँगी जब ये थोड़े से गल जाएंगे। और जो किचन के कपड़े हैं वो मैं किचन में ही धोती हूँ, ये टब रखा हुआ है जो सब्जी, जिसमें मैं सब्जी धोती हूँ उसी टब में मैं भिगो के रख देती हूँ और थोड़ी देर बाद फिर मैं इनको धो दूँगी। और अब मैं लगाऊंगी ये चारकोल वाला फेस मास्क, देखो काट लेती हूँ इसको फिर लगा के दिखाती हूँ। फेस वॉश कर लिया है मैंने, नॉर्मल पानी से ही वॉश किया है, लगाऊंगी मैं इसको। ये एक डिब्बा खरीद के लाए थे, इसमें बहुत सारे पैकेट थे और एक पैकेट कई बार लगता है। ये जो चारकोल वाला फेस मास्क है इसको हम कई सालों से यूज करते हैं, मतलब हमें हो गए होंगे 3-3.5 साल हो गए इसको यूज करते हुए। अच्छा है ये, मतलब ये जो डेड स्किन है वो सारी निकल जाती है और अच्छा साफ सा चेहरा लगने लग जाता है जैसे प्लेन प्लेन सा, तो इसको हम यूज करते रहते हैं। और बस इसको लगा के पूरे फेस पे और जब ये अच्छे से सूख जाएगा ना तब इसको उतार देते हैं, और उतारने के बाद एकदम बढ़िया बढ़िया, मतलब हाथ लगाने से ही ऐसे लगेगा बस स्मूथ स्मूथ सा चेहरा। तो इसको यूज़ करते रहते हैं हम, मतलब कहीं जाना हो किसी फंक्शन में जाना हो तब लगा लेते हैं। और मैंने पहले आपको एक बार बताई थी कि सुमित के घुटने में चोट लग गई थी बॉलिंग करते हुए, तो कई दिनों से उसी के टेस्ट करवा रहे थे सुमित मेडिकल, रोहतक मेडिकल में, तो 2-3 दिन तो उसके टेस्ट करवाने के लिए गए थे। और फिर टेस्ट करके रिपोर्ट देख के डॉक्टर ने बताया था अभी घुटने का ऑपरेशन होएगा, छोटा सा ही ऑपरेशन होएगा दूरबीन वाला, 2 ही टाँके आएंगे। तो उसकी डेट दी थी डॉक्टर ने, बोला था कि या तो सोमवार को या फिर बुधवार को, अगर सोमवार को होएगा तो फिर हम रविवार को बता देंगे और आके एडमिट हो जाना, रविवार को ही एडमिट हो जाना, और बुधवार को होएगा तो मंगलवार को बता देंगे। लेकिन आज रविवार को उन्होंने शाम तक नहीं बताया था और शाम को भी सुमित के पास कॉल आया है तो उन्होंने बोला कि कल ही आके 8 बजे एडमिट हो जाओ, तो कल फिर हम हॉस्पिटल में जाएंगे। मेरे को मायके भी जाना था लेकिन पहले सुमित का ऑपरेशन हो जाएगा, शायद थोड़ा ही टाइम लगेगा, अगर 8 बजे एडमिट हो जाएंगे तो 9 बजे 9:30 बजे तक ऑपरेशन हो जाएगा और फिर उसके बाद मैं चली जाऊंगी मायके। तो फिर कल हम सुबह जल्दी निकलेंगे घर से, 6 बजे के आसपास निकलना होगा शायद। अब बस मैं पैकिंग भी करूंगी, इसके बाद खाना वाना बना के और फिर पैकिंग में लगूंगी। तो अभी तो ये फेस मास्क उतार लेती हूँ, सूख गया है ये। और यहाँ मेरा फेस मास्क भी सूख गया था और इसको मैंने उतार दिया है और एकदम स्मूथ स्किन हो गई थी। और फिर मैं लग गई हूँ किचन के जो मैंने कपड़े भिगोए थे वो भी काफ़ी देर हो गई थी भीगे हुए, उनको साफ़ करने थे तो मैंने यहाँ धो दिए थे। और फिर मैंने बनाया था खाना, और देखो काम करते करते कैसे टीवी में घुसी हुई हूँ।
टीवी में पूरा ध्यान रहता है, पूरा खाना बनाई जाऊंगी और टीवी देखती रहूंगी। ये हमारी किचन बहुत सही जगह पे है, मतलब रोकना नहीं पड़ता, सीरियल अगर चल रहे हो तो देखती रहती हूँ और काम करती रहती हूँ। तो मैंने खाना बना लिया था और किचन विचन सारी साफ कर दी थी और फिर लग गई थी मैं पैकिंग पे। अभी रात के 10 बज गए हैं और अभी तक मेरी चल रही है पैकिंग। एक बैग तो मैंने पैक कर दिया है। कल सुमित का घुटने का ऑपरेशन होना है तो कल 8 बजे हमको हॉस्पिटल पहुंच जाना है रोहतक मेडिकल में। तो एक बैग तो ये मेडिकल के लिए पैक कर दिया, जो हमें जैसे हॉस्पिटल में हमने जो सामान यूज करना है, जैसे बर्तन हुए, हैंड वॉश हुआ, सैनिटाइजर हुआ, या फिर चादर और कंबल ओढ़ने के लिए, तो वो सारा सामान इसमें पैक कर दिया है। और इस बैग में हम अपने कपड़े पैक करेंगे, मेरे, सुमित के और मम्मी के। तो इस बैग में हम अपने कपड़े पैक कर लेंगे। कल हमें मतलब 8 बजे तो पहुंचना है, 5 6 5 6 बजे से निकलना है यहाँ से, 6 बजे निकल लेंगे। और अपने मायके भी जाके आऊंगी, उधर ही सांगी रोहतक के पास नहीं पड़ता है, तो मायके भी जाके आऊंगी, क्योंकि मेरे भाई हैं जो उन्होंने नया ट्रैक्टर खरीदा है, तो उसकी जैसे नई चीज खरीदते हैं तो लड़कियों से चौड़ करवाते हैं, तो वही करके आऊंगी। तो मायके भी जाना है, कल ही आ जाएगा शायद हमारा ट्रैक्टर भी। तो सुबह सुमित का ऑपरेशन हो जाएगा, उसके बाद देखती हूँ कब टाइम लगेगा और क्या पता कब, कितने दिन रखेंगे हॉस्पिटल में, कितने दिन में छुट्टी मिलेगी। तो हम अपना मतलब कपड़े ज्यादा ही पैक करके लेके जा रहे हैं। चलो फिर देख, कर लेती हूँ मैं अभी पैकिंग। पैकिंग मेरी हो गई है कंप्लीट। चलो फिर इस व्लॉग का यहीं कर लेते हैं एंड, और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और वीडियो देखते रहना। पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।